हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास इलेवंथ। इलेवंथ क्लास का आपके पास थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा चैप्टर है फोर्थ, और फोर्थ चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक ही एक्सरसाइज है, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, और हमारे पास कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMI। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। सपोज देर इज ए गिवन स्टेटमेंट PN, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी होगी, क्या होगा उसका नाम PN, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर N, और जो N है वो हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। सच दैट फर्स्ट हमारे पास क्या होगा इसका स्टेप, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर N इज इक्वल टू 1 के लिए, कि हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट PN दी होगी, और उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होगा कि N इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें तो P1 इज ट्रू, तो हमारे पास जो P1 है वो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। सेकेंड द ट्रूथ ऑफ पी के, वेयर के इज सेम पॉजिटिव इंटीजर, फिर हमारे पास जब 1 के लिए ट्रू आ जाता है तो हम क्या मान लेंगे कि जो के है, अगर एन की जगह हम के पुट कर देंगे तो के लिए भी फंक्शन कैसा है, ट्रू है, और जो एन के है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इम्प्लाई द ट्रूथ ऑफ पी के प्लस 1 के लिए, फिर हम क्या है उसको किसके लिए इम्प्लाई करेंगे, के प्लस 1 के लिए इम्प्लाई करेंगे। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, फिर हमारे पास यदि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये है आपका PMI के तीन स्टेप्स। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 के लिए ट्रू होगा फंक्शन, फिर हम मान के चलेंगे कि k के लिए फंक्शन ट्रू है, उसके बाद हम k प्लस 1 के लिए फंक्शन को ट्रू प्रूव करके दिखाएंगे। देखते हैं पूरे चैप्टर के अंदर इसी का यूज होगा, PMI इन्हीं तीन स्टेप्स का यूज होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग PMI, PMI का यूज करके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इसको हमने क्या मान लिया, लेट PN, लेट PN इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था कि n इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ट्रू होगा, पुट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, फर्स्ट में हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है n, हमारे पास यहाँ, तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया 3 की पावर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, और 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल इज इक्वल टू इधर n की वैल्यू 1 पुट की, 3 में की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बाई 2 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज ट्रू। तो जो P1 था वो हमारे लिए क्या आया, ट्रू। एज्यूम दैट PK इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर K, फिर हम क्या मान के चलेंगे कि जो PK है, कि n की जगह अगर हम K पुट कर देंगे तो वो क्या है, हमारे पास ट्रू है फॉर n नेचुरल नंबर k के लिए। पी के, एन की जगह हमने k को रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू n, हाँ n की जगह क्या आ जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। जब हमारे पास k के लिए हमने ट्रू मान लिया तो हम क्या प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के लिए फंक्शन को ट्रू प्रूव करेंगे। वी वांट टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, फिर हमें किसको प्रूव करने की ज़रूरत है कि K प्लस 1 है वो भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। करो PK प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस, जब हमने K की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, K प्लस 1, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो हमारे पास पीछे टर्म्स दी हुई है एक वो टर्म लिखेंगे, इस उससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर K माइनस 1 प्लस 3 की पावर K इज इक्वल टू, इधर क्या था, 3 की पावर K, K को हमने रिप्लेस कर दिया K प्लस 1, और माइनस 1 बाई 2 इज ऑल्सो ट्रू। इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि ये भी कैसा है, ट्रू। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास है ये एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है, एज इट इज यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और प्लस 3 की पावर k अलग है, तो ये जो है ये इक्वेशन 2 में हमारे पास किसके इक्वल था, ये इक्वेशन 2 में हमारे पास इक्वल था 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2 के इक्वल था, तो हमने सेकेंड का यूज कर दिया, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 3 की पावर k माइनस 1 बाई
टू प्लस थ्री की पावर के। अब दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा थ्री की पावर के माइनस वन प्लस टू के, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर के। अब इन दोनों में से हमारे पास थ्री की पावर के कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ वन बचेगा और यहाँ टू, वन प्लस टू और ये क्या है माइनस वन, अलग रख लिया बाई टू, थ्री की पावर के टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री और माइनस वन बाई टू। यहाँ थ्री की पावर के है, यहाँ थ्री की पावर वन है, पावर से पावर एड हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड होती है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा थ्री की पावर के प्लस वन और माइनस वन बाई टू। और यही हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड, यही थी ना हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है सेकेंड, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। लेट पी एन इज इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा उसको हमने पी एन के इक्वल रख लिया, उसके बाद हम वन के लिए ट्रू करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए हम फंक्शन को ट्रू प्रूव कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा वन का क्यूब इज इक्वल टू वन इंटू वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। वन और वन प्लस वन टू, टू बाई टू कितना आ जाएगा वन, और वन का स्केयर भी क्या आएगा वन, तो पी वन हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू। एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर के, फिर हम किसके लिए प्रूव करेंगे कि जो पी के है वो हमारे पास क्या है ट्रू, मान के चल पड़े तो एन की जगह हम के को रिप्लेस कर देंगे, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस के क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा के आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है ये आ जाएगा और के प्लस है वन बाई टू का होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया इज ट्रू, ये हमारे पास हमने क्या मान लिया कि ट्रू है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, तो हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। देखते हैं कैसे, पी के प्लस वन इज इक्वल टू वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एज इट इज लिख लिया हमने, और ये क्या आ जाएगा के की जगह क्या आएगा एन की जगह के प्लस वन हो जाएगा, और एन प्लस वन तो के प्लस वन और वन टू हो जाएगा, के प्लस वन टू बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में मैं आपको यही बता देती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास है वो एज इट इज़ है। ये हमने कैसे लिखी, आपको सिंपल मेथड बताती हूँ, बिल्कुल जो आपको सेकंड इक्वेशन दी हुई है वो सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ लिखो यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म जो लिखनी है हमें वो क्या करना है, जहाँ के था उसको के प्लस वन लिख के नेक्स्ट टर्म लिख देंगे बस हम। तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस ये लास्ट टर्म क्या थी के क्यूब, तो के की जगह मैंने क्या लिख दिया के प्लस वन का होल क्यूब। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास एज इट इज़ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये हम यूज़ कर लेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े हम, ये हमारे पास एज इट इज़ था के प्लस वन का क्यूब, हमने सेकंड यूज़ कर लिया, इसकी जगह वैल्यू क्या थी के इंटू के प्लस वन बाई टू का होल स्केयर प्लस के प्लस वन का क्यूब। अब देखो इसको ओपन करेंगे, के स्केयर के प्लस वन स्केयर और टू का स्केयर फोर प्लस के वन के प्लस वन की पावर थ्री, इधर टू पावर है इधर थ्री पावर है, तो कॉमन कितनी लेंगे टू पावर हो जाएगी कॉमन, के प्लस वन का स्केयर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा के स्केयर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो 4 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 1, 4 के प्लस 1, के प्लस 1 का होल स्केयर, अंदर क्या आ जाएगा के स्केयर प्लस 4 के प्लस 4 बाई 4, ये किसका होता है के प्लस 2 का होल स्केयर है, और नीचे 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का स्केयर। अब सभी का स्केयर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2 का होल स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, वन प्लस वन बाई वन प्लस टू प्लस वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन इज इक्वल टू टू एन बाई एन प्लस वन। लेट पी एन इज इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा उसको पी एन के इक्वल रख लिया, फिर वन के लिए हम ट्रू प्रूव कर देंगे, तो वन के लिए ट्रू प्रूव करेंगे तो लास्ट टर्म में देखो क्या आ जाएगा वन प्लस टू प्लस अप टू वन तक आ जाएगा इज इक्वल टू किसके टू, एन की जगह वन रख दिया और वन प्लस वन टू वन जा टू टू बाई टू क्या आ जाएगा वन, तो पी वन हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया फंक्शन। एज्यूम दैट, फिर हमने मान लिया कि पी के इज ट्रू, जो पी के है वो क्या है ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के, के के लिए ट्रू, तो एन की जगह हमने के को रिप्लेस कर दिया पूरे फंक्शन के अंदर, वन प्लस वन बाई टू अप टू वन बाई वन प्लस टू प्लस अप टू के इज इक्वल टू एन की जगह के रख दिया टू के बाई के प्लस वन, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे हम। फिर वी वांट टू प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे किसके लिए के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू।
ट्रू, के प्लस वन के लिए हमने किया तो ये एज इट इज आ जाएगा। और मैंने बताया था कि जो ऊपर आपको सेकंड इक्वेशन दे रखी है पहले वो एज इट इज लिखो, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ तक तो आपके पास यहाँ तक आ जाएगी वो इक्वेशन, प्लस नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ये एज इट इज, और के की जगह हमने क्या कर दिया, के प्लस वन इज इक्वल टू टू और के प्लस वन, और के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और प्लस वन कितना आ जाएगा, के प्लस टू। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, टू के बाई के प्लस वन, और आगे हमारे पास है एज इट इज रहेगा, इसको प्रूव कर देंगे। देखो कैसे, ये है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन में मेरे पास यहाँ तक की वैल्यू क्या है, टू के बाई के प्लस वन, प्लस ये हमारे पास एज इट इज है, वन बाई वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के प्लस वन तक है। इसके ऊपर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास, अप्लाई कर दिया टू के बाई के प्लस वन प्लस वन बाई, अब हमारे पास कितनी टर्म है, के प्लस वन, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा, के प्लस वन, एन प्लस वन कितना हो जाएगा, उसमें एक और ऐड कर देंगे, के प्लस वन प्लस वन, और बाई में क्या है टू, तो टू के प्लस बाई के प्लस वन प्लस वन बाई, अब टू को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, और के प्लस वन इंटू के प्लस टू, दोनों में के प्लस वन एलसीएम से कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या है टू, तो टू के बाई के प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, के बाई वन प्लस टू बाई के प्लस टू, एलसीएम हमने अंदर से ले लिया के प्लस टू, ये बाहर आ जाएगा, के प्लस टू एलसीएम ले लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, के की मल्टीप्लाई के प्लस टू से करेंगे क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस टू के, और प्लस में क्या है टू बाई के प्लस टू, इसको हमने ओपन किया तो क्या आ जाएगा, के प्लस वन का होल स्क्वायर है ये, डिवाइड में क्या है, के प्लस वन और के प्लस टू, के प्लस वन से एक के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टू, के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू, और ये हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, वन टू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, मल्टीप्लाई में ये आपका पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर, ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट पी एन इज इक्वल टू, जो फंक्शन दे रखा उसको पी एन के इक्वल ले लेंगे और एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे, क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास वन और वन प्लस वन टू और वन प्लस टू थ्री, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, वन और वन प्लस वन टू, एन की जगह वन रख रहे हैं ना, और वन प्लस टू थ्री और वन प्लस थ्री फोर, फोर से फोर कैंसिल, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, विच इज ट्रू। सपोज फिर हम मान के चल पड़ेंगे पी के हमारे पास क्या है ट्रू, तो पी के लिए ट्रू फंक्शन है तो हम अप्लाई करेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू, एन की जगह हमने क्या रख दिया, के के प्लस वन और के प्लस टू, इज इक्वल टू के के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। वी वॉन्ट टू प्रूव दैट, फिर हम प्रूव करेंगे किसके लिए, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, उसके लिए ट्रू प्रूव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज, फिर आपको बताया था जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज लिख लिया, प्लस उसे नेक्स्ट टर्म में हम उसको एक आगे बढ़ा देंगे, के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन, के प्लस वन का क्या होगा, के प्लस टू, और के प्लस टू क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, के का के प्लस वन के प्लस टू हो जाएगा, और टू का थ्री हो जाएगा, थ्री का फोर, और डिवाइड में कौन है फोर। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इक्वेशन सेकंड यूज़ हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये पुट कर देंगे और आगे ये है हमारे पास। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, ये हमारे पास एज इट इज़ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, तो क्या है वो किसके इक्वल थी, के के प्लस वन के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री बाई फोर, प्लस ये हमारे पास क्या है, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, अब एलसीएम हमारे पास फोर है तो दोनों का फोर एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है कॉमन, के प्लस वन दोनों में है, के प्लस टू भी और के प्लस थ्री, तो हमने कॉमन ले लिया, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, अंदर क्या बचेगा, के बाई फोर और प्लस वन, एलसीएम ले लेंगे हम फोर, के एज इट इज और फोर के और वन की मल्टीप्लाई फोर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई है तो पूरे के डिवाइड में हो जाएगा, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर बाई फोर, और यही हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब प्लस अप टू एन इंटू एन
की पावर 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। सबसे पहले हमने किसको इक्वल मान लिया, p n के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर p 1 के लिए हम फंक्शन को ट्रू प्रूव करेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 इंटू 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2n की वैल्यू 1 माइनस 1 और 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। 2 वन जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 हो गया। 3 की पावर 1 प्लस 1 2, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9 और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बाई 4 3 आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास क्या आ गए इक्वल, तो क्या बोल देंगे P1 इज ट्रू। उसके बाद हम क्या प्रूव करेंगे, सो पी के इज ट्रू, हम मेज्यूम करके चलेंगे कि पी के हमारे पास ट्रू है। अगर ट्रू है तो एन की जगह के रिप्लेस कर दिया हमने, के इंटू 3 की पावर के इज इक्वल टू 2 के माइनस 1 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 बाई 4, इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दिया। फिर के प्लस 1 के लिए फंक्शन को ट्रू प्रूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक मैंने बताया था टर्म एज इट इज रखेंगे हम, प्लस उसके बाद के की जगह हमने क्या कर दिया, के प्लस 1 और 3 और के की जगह के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, k की जगह k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3, k प्लस 1 में 1 पावर और रेड 1 और रेड कर देंगे तो क्या हो जाएगी k प्लस 2 और प्लस 3 बाई 4। ये हमारे पास एज इट इज है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करेंगे, कैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन सेकेंड थी हमारे पास है, इक्वेशन सेकेंड किसके इक्वल थी, इसके इक्वल, ये यूज़ कर लिया हमने 2 के माइनस 1 3 की पावर के प्लस 1 बाई 3 बाई 4, प्लस एक टर्म इसके बच गई हमारे पास क्या है, k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 बाई 1। पहले हम क्या लेंगे, LCM लेंगे और फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, कैसे देखो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने 4 LCM ले लिया, 2 के माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 4 k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 3 की पावर k प्लस 1। इधर क्या बचेगा 2 के माइनस 1 प्लस, इधर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के प्लस 4 और बाहर क्या रहेगा प्लस 3। अब देखो 3 की पावर k प्लस 1 एज इट इज, 2 के प्लस 4 के क्या आ जाएगा 6 के और 4 में से बन जाएगा प्लस 3, प्लस में बाहर क्या है 3 बाई 4। अब देखो इस दोनों में से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या ले लिया मैंने 3 कॉमन और क्या 3 की पावर k प्लस 1, अंदर क्या बचेगा 2 के प्लस 1, बाहर क्या है प्लस 3। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 1 है और k प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3 की पावर k प्लस 2, ये एज इट इज प्लस 3 बाई 4। यही हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 3। लेट पी एन इज इक्वल टू, पी एन हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि n के इसको जो है एज इट इज रख लिया इक्वेशन फर्स्ट है। फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम फंक्शन को ट्रू प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 बाई 3, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो पी वन इज ट्रू, सो पी के इज ऑल्सो ट्रू, मान के चल पड़े पी के हमारे पास क्या ऑल्सो ट्रू। तो ये फंक्शन है जहाँ एन था वहाँ हमने के को रिप्लेस कर दिया के के प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा के के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर हम प्रूव करेंगे कि के प्लस 1 के लिए भी फंक्शन ट्रू है, तो यहाँ तक की हमारे पास एज इट इज रखेंगे, इसको फिर रिप्लेस कर देंगे के को के प्लस 1 और के प्लस 1 क्या हो जाएगा के प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा के प्लस 1, के प्लस 1 का के प्लस 2 होगा और के प्लस 2 का के प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 3। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड आपके पास ये है इज इक्वल, अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या है ऑन सेकंड इक्वेशन एज इट इज, तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पर पुट कर देंगे यूजिंग सेकंड, इसकी वैल्यू क्या है के के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 3, प्लस ये हमारे पास बच गया के प्लस 1 के प्लस 2 और बाई में क्या ले लिया 1। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे के प्लस 1 और के प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा के बाई 3 प्लस 1। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया 3, तो क्या हो जाएगा के प्लस 3, ये पूरे के डिवाइड में हो जाएगा 3 और यही हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू
टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस ए वन इक्वल किसके हैं, एन इंटू फोर एन स्क्वेयर प्लस सिक्स एन माइनस वन बाई थ्री के। सबसे पहले हम इसको पी एन के इक्वल लेके चल पड़ेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू रख लेंगे इक्वेशन, फर्स्ट नाम दे देंगे, फिर पी वन के लिए हम इसको ट्रू प्रूव कर देंगे जो आपके पास ट्रू है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्यूम कर लेंगे कि पी के इज ऑल्सो ट्रू, के लिए ट्रू कर देंगे तो एन की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, के टू के माइनस वन टू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू फोर के स्क्वेयर प्लस सिक्स के माइनस वन बाई थ्री। इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। फिर हम प्रूव करेंगे कि के प्लस वन के लिए भी फंक्शन ट्रू है, तो इसके लिए क्या रखेंगे, टू और के की जगह के प्लस वन माइनस वन इंटू टू के की जगह के प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, के प्लस वन और इधर फोर, के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स और के की जगह के प्लस वन माइनस वन बाई थ्री। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। प्रूव करेंगे कैसे, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक कि मेरे पास क्या वैल्यू है, ऊपर सेकेंड में यूज़ कर रखी है के फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन बाई थ्री प्लस है। आगे टर्म क्या है हमारे पास है, ये टर्म है टू के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, टू के प्लस टू, टू में से वन जाएगा वन, तो टू के प्लस वन, इसी तरह टू के और टू प्लस वन थ्री प्लस ये आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, थ्री। पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, टू टू जो फोर के स्क्वायर और टू की और थ्री की सिक्स के और इसकी टू सिक्स टू एट के प्लस थ्री बन जा थ्री, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एज इट इज़। फिर हमारे पास एलसीएम थ्री है तो क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई की फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री इंटू फोर के स्क्वायर प्लस एट के प्लस थ्री, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। प्लस थ्री के अंदर मल्टीप्लाई करी, ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस थ्री एट जा ट्वेंटी फोर के प्लस थ्री थ्री जा नाइन बाई थ्री, फोर के क्यूब प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन के स्क्वायर और ट्वेंटी फोर में से बन जाएगा ट्वेंटी थ्री के प्लस नाइन। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, किस तरह से ब्रेक करेंगे वो देखते हैं। 4k क्यूब बाहर रख लिया, 18 के स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर लिया 14 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर में, 23 को मैंने ब्रेक कर लिया 9 के प्लस 14 के में, और प्लस में कौन है 9, तो हमारे पास एक देखो सभी में सेम हो गया ना, 4 14 9 4 14 9 सेम आ गया। अब बाहर वाले में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4k स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लिया एज इट इज रहेगा बाई 3। अब दोनों हमारे पास सेम है तो दोनों में से हमने कॉमन ने लिया 4k स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 और अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 बाई 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे तो k प्लस 1 को बाहर रख लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये है इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 1 * 2 + 2 * 2 स्क्वायर + 3 * 2 स्क्वायर + अप टू n * 2 की पावर n, ठीक है ये हमें प्रूव करना है। किसके इक्वल है, n माइनस वन इंटू टू की पावर n प्लस वन प्लस टू, इसके इक्वल प्रूव करेंगे, लेट पी एन इज इक्वल टू मान लेंगे, फिर पुट करेंगे n इज इक्वल टू वन के लिए, वन के लिए प्रूव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन इंटू टू की पावर वन इज इक्वल टू वन माइनस वन टू की पावर वन प्लस वन प्लस टू, टू बन जा टू आ जाएगा और वन में से वन कैंसिल हो गया जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा टू। अब फिर हम के लिए पुट करेंगे, पी के इज टू तो क्या आ जाएगा, पी के इज इक्वल टू एन की जगह हमने के रिप्लेस कर दिया है, के इंटू टू की पावर के इज इक्वल टू के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन प्लस टू। अब हम प्रूव करेंगे के प्लस वन के लिए फंक्शन को ट्रू प्रूव करना है, तो यहाँ तक मैंने एज इट इज रखा, फिर के को हमने रिप्लेस कर दिया के प्लस वन और टू की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू के माइनस वन है, के प्लस के को हमने क्या लिख दिया के प्लस वन और बाकी क्या माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू की पावर के प्लस वन प्लस वन प्लस टू, ये हमारे पास के कैंसिल हो जाएगा और टू की पावर क्या हो जाएगी के प्लस टू। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़ी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमारे पास यहाँ तक जो इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर लिया, क्या इक्वेशन सेकंड में के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन प्लस टू बाई प्लस, ये हमारे पास क्या है के प्लस वन टू की पावर के प्लस वन। अब दोनों में से टू की पावर के प्लस वन टू की पावर के प्लस वन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा के माइनस वन और इसमें क्या बचेगा प्लस के प्लस वन और बाहर क्या है प्लस टू, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू की पावर के प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा 2k और प्लस 2 2। अब इसमें से k को मैंने बाहर रख लिया, अब 2 की पावर 1 है तो बेस सेम हो गया, पावर रेड हो जाएगी, 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 k एज इट इज 2 की पावर कितनी आ जाएगी k प्लस 2 प्लस 2, ये हमारे पास क्या है हमारी राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। हम पहले इसको n के इक्वल रख लेंगे कि हमारे पास p n है, उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के लिए हम फंक्शन को प्रूव कर देंगे। थर्ड नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है कि p k रख लेंगे कि अज्यूम कर लिया p k इज ट्रू, n की जगह हमने k पुट कर लिया तो ये हमारे पास 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। k प्लस 1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, k की जगह क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक एज इट इज रख लिया प्लस रिप्लेस कर दिया k की जगह k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। फिर यूजिंग सेकेंड, यहाँ तक हमने सेकेंड का यूज कर लेंगे। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किसके इक्वल थी, ये हमारे पास इसके इक्वल दे रखी थी 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 1/2 की पावर k प्लस 1। हमने इसको सॉल्व किया 1 माइनस, इसको लिख दिया 1/2 की पावर k प्लस, इसके मैंने बेस को अलग कर लिया 2 की पावर k मल्टीप्लाई 2। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस 1/2 की पावर k कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/2। 1 माइनस 1/2 की पावर k मल्टीप्लाई 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के 1 से मल्टीप्लाई 1, और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी k प्लस से 1। और यही हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट बाय यूजिंग PMI। PMI का यूज करेंगे, लेट PN इज इक्वल टू 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 अप टू 1/3n − 1 × 3n + 2 इज इक्वल टू 1/6n + 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 1 − 1 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 1। एन की जगह 1 पुट कर दिया ना, 6 × 1 + 4 3 × 1 = 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 + 2 आ जाएगा 5 × 2 = 10 1/10 इधर भी क्या आ जाएगा 1/10 p1 इज ट्रू। फिर हम k के लिए ट्रू प्रूव करेंगे कि हमारे पास k के लिए ट्रू है, n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया k, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर हम किसके लिए प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक हमारे पास पहले टर्म है, उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया k की जगह 3k + 1 − 1 3 × k + 1 + 2 इज इक्वल टू किसके है k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 और 6 k + 1 + 4 इसके इक्वल प्रूव करेंगे हम। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक हमारे पास क्या है यूजिंग सेकंड कर देंगे। सेकंड हमारे पास क्या था k/6k + 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1/3k और 3 में से 1 जाएगा 2 3k + 2 इधर क्या आ जाएगा 3k + 5। अब दोनों में हमारे पास देखो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे 2, क्या बचेगा 3k + 2 दोनों में 3k + 2 कॉमन है तो क्या ले लिया 1/3k + 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा k/2 + 1/3k + 5 इज इक्वल टू ये हमारे पास बाहर रहेगा, इसका एलसीएम ले लिया 2 × 3k + 5 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे k की और 3k + 5 की 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3k² + 5k + 2/2 × 3k + 5 ये एज इट इज। इसके हम फैक्टर करेंगे क्या क्या आएंगे 3k + 2 × k + 1। अब 3k + 2 से 3k + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा k + 1/2 × 3k + 5 k + 1/3 × 2 = 6k + 10 इसको हमने ब्रेक कर दिया k + 1 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 6 + 4 इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया क्या बचेगा k + 1 और बाहर क्या है +4 और यही हमारे पास क्या है हमारी राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। ये थे आपके क्वेश्चन 1 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।